आपको सिर्फ अपने वर्ल्ड में जाने से पहले केव्स एंड क्लिफ्स को ऑन करना है, उसके बाद आप पूरी तरह से इसे अपडेट। व्हाट्सएप गेमर, जिसका आप सबको काफी टाइम से हम सबको इंतजार था, जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते आ रहे हैं, तो फाइनली माइनक्राफ्ट ने हम पॉकेट एडिशन प्लेयर्स के लिए माइनक्राफ्ट 1.17.05 का अपडेट रिलीज कर दिया है। तो आप देख सकते हो बीटा वर्जन है और इसमें काफी सारी चीजें ऐड हुई। हाँ, लेकिन इसमें वार्डन को ऐड नहीं किया गया है, पर फिर भी इसमें काफी सारे मॉब्स को ऐड किया गया, जैसे आप देख सकते हो ऑक्सलॉट को ऐड किया गया और ग्लोइंग स्कोर भी ऐड हुई है। और ये जो आपका पाउडर स्नो बताया गया था, जिसके अंदर आप ऐसे धस सकते, रुको मैं इसकी 2-3 लेयर लगा के दिखाता हूँ। चलो मैं अभी अब उड़ना करता, तो देख सकते हो आप, अभी मैं इसके अंदर धसने लग जाऊंगा। मैं धस भी नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट में जैसे बोला था कि अगर आप लेदर बूट्स पहनेंगे तो आप इसके अंदर नहीं धसेंगे, और देख सकते हो मैंने लेदर बूट्स जैसे उतारा था, मैं किस तरीके से धसने लग गया हूँ। तो इस तरीके से आपको बर्फ़ में दिक्कतें होने वाली है। और ये स्पाई ग्लास के बारे में, जिसके बारे में माइनक्राफ्ट वालों ने बताया था कि वो ऐड करेंगे, तो ये देख सकते हो इस ऐड किया गया है, और गॉड को भी ऐड किया गया है। ये देख सकते हो इस स्पाई ग्लास की रेंज काफ़ी ज़्यादा दूर तक है, ये देखो कहाँ तक मैं देख सकता हूँ, काफ़ी दूर तक है, मैक्सिमम 100-150 ब्लॉक्स दूर तक तो ये आपको दिखा देता है। और ये कॉपर इंगट है, और ये देख सकते हो जो रॉ के बारे में क्या कहते हैं कि रॉ कॉप रॉ चीज़ वगैरह, तो मैंने उनके यहाँ पे ब्लॉक बना के लगा रखे हैं। और ये क्रिस्टल भी आए हैं ये देखो, और ये ग्लोइंग आइटम फ्रेम, ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको डायरेक्ट मीडिया फायर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे भी है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो यहाँ पे ये जो स्कल सेंसर के बारे में बताया गया था, वो भी ये डाला गया है। बस इसमें एक चीज़ है जो अभी नहीं डाली गई, जो है वार्डन, वार्डन को अभी डाला नहीं गया है, पर उसको भी डाल दिया जाएगा जल्दी, तो क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन है, तो शायद इसलिए इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो ये देख सकते हैं फ्लावरिंग वाली चीज़ें हैं, और ये ड्रिप स्टोन भी डाला गया है, ये देखो मैं अभी इसमें खड़ा होकर दिखाता हूँ। और ये देखो किस तरीके से नीचे झुक गया, मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से, इससे आप ट्रैप वगैरह भी बना सकते हो काफ़ी सारे। और ये ग्लो स्कूड का ग्लोइंग सैंक है, तो देख सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई है। जैसे हमारे आर्मर्स में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, पर ब्लॉक्स काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, आप देख ही पा रहे हो। स्पाई ग्लास मैंने आपको दिखा दिया, और एक क्रिस्टल शार्ड भी दिखा देता हूँ आपको, ये भी एक नया इसमें ऐड किया गया है। बाकी आप लोग क्या होता रहा, ये देख सकते हो रॉक ऊपर, जब आप इसको पिघलाओगे तो आपको मिल ही जाएगा, आपको पता है इतना, ये सब आप लोग जानते हो। इसके बारे में आपको बता दूँ, मुझे ये ड्रिप स्टोन का ब्लॉक देख सकते हो, ड्रिप स्टोन के ब्लॉक को आपने नहीं देखा होगा, देखो जब ये ड्रिप स्टोन को आप लोग 9x9 के रूप में रखोगे तो आपको ड्रिप स्टोन का ब्लॉक मिल जाएगा इस तरीके का, तो देख सकते हो काफ़ी सही है। और इसकी इसका टेक्सचर भी काफ़ी सही है, और आपको बता दूँ मैं ऑर्स का भी टेक्सचर चेंज हो चुका है इसमें, आपको चेंज ओर के टेक्सचर वाले सारी चीज़ें मिलने वाले। तो ये देख सकते हो यहाँ पे सारे ओर्स के टेक्सचर पूरी तरह से बदल चुके हैं, बस इसमें एंशियंट डेब्रिस और एमरल्ड का टेक्सचर चेंज हुआ है। तो देख सकते हो ये डीप स्लेट वाले हैं, और ये जो बताया गया था कि नॉर्मल वाले, और देख सकते हो दोनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक डायमंड और जो मिलेगा हमें नॉर्मल में, और एक ड्रिप स्टोन जो डीप स्लेट में मिलेगा, जो डीप स्लेट नाम का ब्लॉक बताया गया था, जो भी ये वाला ब्लॉक है हमारा डीप स्लेट, ये वाले जो ब्लॉक्स के बारे में बताया गया था, जो कॉबल स्टोन जैसे दिखेंगे पर ये ब्लैक ब्लैक से होंगे, ब्लैक स्टोन टाइप होंगे, तो ये वाले ब्लॉक्स के बारे में बताया गया था हमको, देख सकते हो। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि हम इसमें स्काई ग्लास में यूज़ कर पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो देखो यहाँ से मैं काफ़ी दूर तक वहाँ पे वो मशरूम का ट्री तक देख पा रहा हूँ साफ साफ, वो भी क्लियर ही साफ, काफ़ी सही क्लियर दिख रहा है सब कुछ, ये देख सकते हो। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से।